जिनाजिन मेंडर में दो लावारस बैग मिलने से हड़कंप। बता दें कि पीडब्ल्यूडी कॉलोनी मेंडर के अंदर जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दफ्तर है, डीडीसी हेडक्वार्टर का दफ्तर है और डीडीसी वाइस चेयरमैन का रेजिडेंस भी यहीं पे है और काफ़ी सेंसिटिव एरिया होने की वजह से पुलिस इस वक्त हरकत में है। दो लावारस बैग हैं जो ये मिले, आप देख सकते हैं लाल कलर के ये दो बैग लावारस हालत में, जहाँ पे कचरा पड़ा है वहाँ पे ये बैग भी हैं और इनको देखते हुए पुलिस है जो मेंडर की इस समय हरकत में है कि आखिर इसमें क्या है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक इन बैग को ओपन नहीं किया गया है लेकिन दो बैग मिलने से इस समय पुलिस है जो वो हरकत में है। मेंडर पीडब्ल्यूडी ऑफिस, नेशनल कॉन्फ्रेंस का दफ्तर, डीडीसी हेडक्वार्टर का दफ्तर और वाइस चेयरपर्सन का रेजिडेंस भी यहीं पे है और काफ़ी सेंसिटिव एरिया होने की वजह से पुलिस है जो मुस्तैदी से काम कर रही है और ये दो लावारस बैग मिलने से अभी की जो महेंद्र की बड़ी खबर है कि दो लावारस बैग मिलने से यहाँ काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है। काफ़ी अवामी गलियारियों में की बात करें, पुलिस की बात करें, अलर्ट पे है अभी पुलिस और ये बैग हैं जो पीडब्ल्यूडी कॉलोनी मेंडर से जो है मिले हैं। मेन चौक यादगार के साथ जो पीडब्ल्यूडी की कॉलोनी है वहाँ पे ये दो लावारस बैग मिले हैं और पुलिस इस समय इसकी जांच पड़ताल के लिए मौके पे पहुँच चुकी है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है और इस पे नज़र बनाए रखी हुई है कि आगे क्या किया जाएगा। जो ही कोई नई अपडेट आती है हम आपसे साझा ज़रूर करेंगे, लेकिन इस वक्त की मेंडर से बड़ी खबर कि दो लावारस बैग पीडब्ल्यूडी कॉलोनी मेंडर के अंदर, जहां पे बड़े सियासी लीडरन के दफ्तर भी यहां पे मौजूद हैं और पीडब्ल्यूडी का ऑफिस भी यहां पे है, लेकिन दो लावारस बैग, आखिर इन बैग में क्या है ये जांच का विषय है। जांच पड़ताल के बाद ही मालूम होगा कि आखिर ये बैग कहां से आए, किसने रखे। हो सकता है कि सीसीटीवी फुटेज है जो वो भी खंगाली जाए और इन बैग्स में क्या मिलता है वो अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई, लेकिन पुलिस है जो इस समय हरकत में है और इस इलाके को सीज कर दिया गया है, इसके नज़दीक जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। आप देख सकते हैं लाल कलर के दो लावारस बैग हैं जो मेंडर पीडब्ल्यूडी कॉलोनी के अंदर, बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस का दफ्तर है यहाँ पे और डीडीसी हेडक्वार्टर इंजीनियर वाजिद बशीर भी यहीं बैठते हैं और डीडीसी वाइस चेयरपर्सन अशफाक चौधरी का रेजिडेंस भी बिल्कुल यहीं पे है। बगल में एक ही साथ एक ही जगह पे है पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है, यहाँ पे अक्सर आम लोगों का आना जाना रहता है, लेकिन ऐसे में ये लावारस बैग मिलने से है जो कहीं ना कहीं अवामी हलकों में एक हड़कंप मचा हुआ है। आखिर हर कोई जानना चाहता है कि इन बैग्स में क्या है और जो ही हमें कोई मजीद अपडेट मिलती है हम आपसे साझा करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।